हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो मैं वापस आ गया हूँ एक बार फिर और आपको पढ़ाने के लिए। तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उस क्लास में हमने ये पढ़ा था जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम चैप्टर फर्स्ट के, और उस क्वेश्चन आंसर में जो भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर थे वो क्वेश्चन किए थे हमने प्रीवियस क्लास में। और उससे पहले हमने सारे क्वेश्चन ए ओरल क्वेश्चन किए थे, उसके बाद में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन किए, और उसके बाद में जो स्ट्रेट ट्रू फॉल्स थे वो वाले हमने किए थे। और अब हम लॉन्ग आंसर्स करने जा रहे हैं। ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं है, तीन ही क्वेश्चन है लॉन्ग के रूप में, और उन तीनों के आंसर हमारे को देने हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, हम कुछ चैप्टर का रिवाइज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हमारी मैं कहूँ तो आज सेवंथ क्लास है हमारी। और उस सेवंथ क्लास के अंदर हमने सात क्लासों में हमने ये चैप्टर पूरा किया है, और जो भी हमने आज तक पढ़ा है पिछले वन वीक में उसके बारे में थोड़ा एक बार फिर वापस रिवाइज करेंगे। और इस प्रकार से हम आज वापस क्लास शुरू करने जा रहे हैं आपकी। तो बैठ जाइए एक बार फिर पेन लेके, नोटबुक लेकर के, और तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, और वो है क्वेश्चन ई। और ई क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न। लॉन्ग का मीन्स लंबे या बड़े, तो आपको बड़े आंसर्स देना है इनके, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन, और फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फूड। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ फूड, तो इसका मीन्स होता है भोजन के मुख्य कार्य क्या है, भोजन के मुख्य कार्य क्या है, उन कार्यों के बारे में आपको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना जो भी कार्य। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है तो आपको सारा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या फंक्शंस होते हैं भोजन के, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फूड लाइक व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये जो भोजन होते हैं ऐसे, ये हमारे को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करवाते हैं, जो कि सहायता करती है हमारे को किसमें, खेलने में सहायता करवाती है, कूदने में सहायता करवाती है, और कार्य करने में सहायता करती है। दे हेल्प अस प्ले एंड वर्क एनर्जी, एक तो खेलने के लिए ऊर्जा देती है और एक कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। तो एक तो फर्स्ट टाइप का ये भोजन हो गया इसके आंसर में। उसी प्रकार सेकंड की बात करूं तो सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था, और वो पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में जैसे कि मिल्क होता है, एग्स होता है, तो ये क्या होते हैं, कर्ड होता है, ये क्या होते हैं, इसके अंदर एक तो मिनरल्स होता है, उसके अलावा प्रोटीन भी होती है। आपको पता है दूध अंडे में कैल्शियम होता है, ये ऐसे भोजन होते हैं जो हमारी बॉडी बिल्ड करते हैं। बॉडी बिल्ड का मीन्स होता है हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जो ये होते हैं वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इस कारण से इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी का हम बात की तो एनर्जी गिविंग थे, उसके बाद में कौन से थे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स थे। उसी प्रकार एक और कैटेगरी होती है, वो होती है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स का मीन्स सुरक्षात्मक भोजन, और सुरक्षात का मीन्स होता है कि बीमारी से सुरक्षा करना, ऐसे भोजन जो हमारे की हमारे को बीमारी से सुरक्षा करते हैं, बीमारी से सुरक्षा। जैसे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, यानी फल और जो सब्जियां होती है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को डिजीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं, इसी कारण से उसको प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। और उसके बाद में अदर जो भी फूड आता है वो आता है मिनरल्स का फूड।
और मिनरल्स का फूड क्या करता है, जो भी डैमेज्ड सेल्स होती है, डैमेज सेल कहूँ तो, यानी कि जो डैमेज यानी कि थोड़ी उसको वो एकदम अच्छी नहीं होती है, डैमेज होती है वो, थोड़ी हम कह सकते हैं नुकसानदायक होती है, उसको क्या कहते हैं, वो डैमेज सेल्स होती है, उसको रिपेयर करने के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स वाले फूड होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं। इस प्रकार से चार फंक्शन होते हैं। किसके चार फंक्शन होते हैं, तो मेन फंक्शन ऑफ फूड बात करते हैं तो ये फंक्शन होते हैं चार। तो आपको क्या करना है, बस ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपकी बुक के अंदर ही, और बुक में पेज संख्या आपकी 5 है, आंसर आपको मिलेगा, मैंने बता दिया वैसे, और वो है पेज संख्या 5 पर, और पेज संख्या 5 पर है तो वो कहाँ पर है, नीचे दे रखा है फंक्शंस ऑफ फूड दे रखा है, फंक्शंस ऑफ फूड दे रखा है, और ये आपको 1-4 यानी 4 पॉइंट्स है, और ये 4 पॉइंट्स आपको करने हैं। इस प्रकार से ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मैंने आपको बता दिया है आपको कहाँ मिलेगा, तो वहां पर जाना आप, और वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड का आंसर, सेकंड वाला क्वेश्चन है, हाउ इज हनी मेड। हाउ यानी कैसे, हनी मेड का मीन्स होता है कि शहद कैसे बनाई जाती है, शहद कैसे तैयार की जाती है। तो ये भी पढ़ा था हमने, देखो जब हम पढ़ रहे थे फूड फ्रॉम एनिमल्स, सोर्सेज ऑफ फूड में फूड फ्रॉम एनिमल्स पढ़ रहे थे, और फूड फ्रॉम एनिमल्स पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने ये देखा था, मिल्स की बात की थी, एग्स की बात की थी, मीट की बात की थी, और लास्ट के अंदर हमने हनी की बात की थी यानी शहद की बात की थी। और शहद जो होता, आपको पता है जो बीज होती है मधुमक्खियां होती है, वो मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती है। कैसे करती है, तो मधुमक्खियां क्या करती है, देखो बहुत लंबी लंबी दूर जाकर के क्या करती है, फ्लावर का जो रस होता है, फूलों का रस लाती है, और फूलों का रस ला करके वो क्या करती है, एक बी हाइव के अंदर यानी मधुमक्खी के छत्ते के अंदर वो क्या करती है, मधुमक्खियां जो होती है वो अपने छत्ते में क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि कहां पर आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा पेज संख्या 10 पर। इसका आंसर कहां मिलेगा, और ये मिलेगा आपकी बुक में पेज संख्या 10 पर, और वहां पर लिखा हुआ है HONEY हनी, और हनी पूरा करना है, हनी के पैराग्राफ में जो भी दे रखा है वो पूरा करना है। लास्ट वाला वर्ड आपको बताऊं तो एपिकल्चर लिखा हुआ है, हनी से शुरू करना और एपिकल्चर तक आपको इसका आंसर करना है। फिर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्वेश्चन में है व्हाट आर वेजिटेबल्स। व्हाट आर वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां क्या होती है, एंड देन डिस्क्राइब सम प्लांट पार्ट्स दैट वी यूज एज वेजिटेबल। कुछ पौधे के भागों के वर्णन करना है जिसका हम किसके रूप में उपयोग करते हैं, हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये भी हमने क्या, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था, और वो कब पढ़ा था, वो पढ़ा था पेज संख्या बात करूं तो 8 नंबर पर। और हम जैसे यूज करते हैं प्लांट्स के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस डिफरेंट पार्ट्स का हम यूज करते हैं खाने के रूप में, भोजन को खाने के रूप में हम यूज करते हैं किसके अलग अलग पार्ट्स, यानी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, उसी को कहा जाता है वेजिटेबल्स कहा जाता है। जैसे कि रूट वाला पार्ट हो गया, एंड देन स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गया, एंड लीव्स हो गया, ये मेनली जो पार्ट, सीड्स का तो सबको पता है, बट ये जो फोर मेन है वो आपको क्या करना, उनको डिस्क्राइब करना। तो पहले बता देता हूं पेज संख्या 8 पर है और जो वेजिटेबल्स लिखा हुआ है वो 8 वाले पेज नंबर पर पूरा वेजिटेबल्स लिखना है। कैसे करना है, जैसे वेजिटेबल्स लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे दो लाइन लिखी हुई है और वो डेफिनेशन दे रखी है
किसकी, वेजिटेबल्स की डेफिनेशन दे रखी है। इसे लिखा हुआ है कि वी यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स एज फूड लाइक रूट स्टेम फ्लावर्स एंड लीव्स। फिर दे रखा शुरुआत की गई हुई है, रूट से स्टार्टिंग की हुई है, तो आपको रूट से स्टार्टिंग की गई है तो रूट से आपको सारा लिखना है जो भी दे रखा है विद एग्जाम्पल के साथ में। हमने पढ़ा था रूट में कि क्या, रूट के अंदर कैरेट पड़ा था, रेडिश पड़ा था, गार्लिश पड़ा था, इस प्रकार हमने पढ़ा था। तो ये आपको क्या करना है कि आपको ऐसे जिस प्रकार आपकी बुक में दे रखा है वो पूरा आपको बुक में दे करके करना है। उसके बाद में बात करूं तो स्टेम, रूट के बाद में स्टेम दे रखा है। स्टेम में भी क्या दे रखा है, स्टेम में जैसे बात करूं तो हमारा पोटैटो है, पोटैटो के बाद में ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया एंड गार्लिश यानी लहसुन हो गया। तो ये भी आपको करना है और पूरा कंप्लीट करना है, उसमें दे रखा है एग्जाम्पल के साथ में। उसके बाद में क्या दे रखा है कि अलग अलग टाइप बता दे, जैसे कि पोटैटो के स्टेम को क्या कहते हैं, पोटैटो के स्टेम को ट्यूबर कहते हैं। उसी प्रकार से आगे वाला दे रखा ऑनियन का जो होता है या गार्लिश का होता है उसके स्टेम को बल्ब कहा जाता है। और लास्ट दे रखा है जिंजर का जो स्टेम होता है, उस जिंजर के स्टेम को क्या कहते हैं, उसको राइजोम कहते हैं। इस प्रकार से ये दे रखा है आपकी बुक के अंदर, ये आपको करना कंप्लीट। उसके बाद में थर्ड नंबर पर क्या दे रखा है, वो दे रखा है लीव्स दे रखा है। लीव्स यानी कि पत्तियों की कौन सी सब्जी होती है वो दे रखी है। और लीव्स में क्या क्या दे रखा है, लीव्स में देखो तो स्पाइनस, लेटिस है, कैबेज होता है, कोरिएंडर होता है एंड बेसिल होता है। उसके बाद में फ्लावर्स दे रखे हैं कि कौन से प्लांट्स के फ्लावर्स जो है उस फ्लावर्स का यूज किया जाता है वेजिटेबल के रूप में। तो वेजिटेबल्स के रूप में जो फ्लावर का यूज किया जाता है वो ब्रोकोली का फ्लावर है, उसके अलावा कॉलीफ्लावर है, उसके अलावा बनाना फ्लावर है, उसके अलावा पंपकिन फ्लावर है। इस प्रकार आपको फिर बाद में दे रखा सुगर केन, ये सुगर केन वाला नहीं करना है, सुगर केन वाला नहीं करना है आपको। ये मैंने बोला पेज संख्या जो 8 है और पेज संख्या 8 पर जो भी दिए हुए हैं वो ही आपको करने हैं। इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आगे जो प्रोजेक्ट्स वर्क दे रखा है वो ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन इसके आंसर तक कर लेना है, यहाँ से हमारा चैप्टर क्या होता है पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर हमारा चैप्टर। तो मैं आशा करता हूँ, आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, एकदम मैंने डिटेल से समझाया है आपको, कोई भी मैंने ऐसी बात पीछे नहीं छोड़ी है जो आपके चैप्टर के अंदर है और मैंने उसकी बात नहीं की है। हम पूरा डिटेल में पढ़े हैं, चैप्टर फर्स्ट से शुरू किया और हम आपको भी पता है कि हमने एक चैप्टर को पूरा करने में 7 क्लासें लिए, यानी 7 क्लासों में जाकर के ये चैप्टर पूरा हुआ है। इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, इन ऑनलाइन क्लासों का भरपूर आप फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स बंद है काफ़ी समय से और अभी ये नहीं कह सकते कब कुछ स्कूल खुलने वाले हैं, और जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक आपको ऐसे ही पढ़ाई करना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऐसे पढ़ाई करना। अगर आप एक वीक तक ऐसे पढ़ते रहोगे तो आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते। जिस प्रकार स्कूल आने की आदत बढ़ जाती है उसी प्रकार आप एक सप्ते तक ऐसे ऑनलाइन क्लासें देख लो, उससे काम कर लो, फिर आपकी ऐसी हैबिट पड़ जाएगी, आपको एंजॉय आने लग जाएगा इसी क्लासों से पढ़ाई करने का। फिर वो एकदम बिल्कुल सही टाइम होता है, आपको याद आ जाएगा कि मेरे को क्लास लेनी है ऑनलाइन क्लास और उसे मेरे को काम करना है। तो हमने इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर, वो सारे टॉपिक एकदम डिटेल के साथ में कंप्लीट कर लिए गए हैं और आपको ये काम कर देना है। मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ नहीं मिलेगा, जो भी मैंने पेज नंबर लिख करके आपको बता दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा इससे। तो ठीक है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन क्लासों का आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ और यही आपसे ऐसा उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे कि आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे होंगे और
ऐसे काम करते जाना है। ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप जब काम करते हो तो लिख देना द एंड हो गया है फर्स्ट चैप्टर। तो हमारी आने वाली जो भी नेक्स्ट क्लास होगी और उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और दूसरा चैप्टर जो हमारा वो है फूड कंपोनेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो भोजन के अवयव और घटक हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आगे वाले चैप्टर की, ये बात है। तो ये हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कल हमारी अगली क्लास होगी, तो उस क्लास में हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे सेकेंड वाला चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको कहता हूँ, भगवान आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।